और समूचे देश में दीपावली पर्व एक दिन मनाया जाता है, मगर सिरमौर जिले के गिरिपर क्षेत्र में दीपावली सेलिब्रेशन 3 से 7 दिनों तक चलता है। सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में इस दौरान इलाके के विभिन्न गांवों में हुड़क, दमेनु, बांसुरी व छनका आदि पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भी फोक डांस चलता है और कई गाँवों में सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन होता है, तो ग्रामीण सुबह से शाम तक उल्लास में डूबे रहते हैं। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजे गायक और नाटक प्राचीन गाथाएं गाकर सुनाते हैं। विशेष समुदाय से संबंध रखने वाले पारंपरिक बुड़ेझू कलाकारों द्वारा इस दौरान होकू, सिंघा, वजीर, चाय गीत, नतीराम व जगदेव आदि वीर गाथाओं गायन किया जाता है। स्थानीय लोग बुड़ेझू दल के सदस्यों को नगद बख्शीश के अलावा घी के साथ खाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजन भी परोसते हैं। राम शर्मा, जो ये हमारा दिवाली का त्यौहार है, ये बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और बाहर से मेहमान, हमारे दो प्रकार से दिवाली मनाई जाती है, जैसे बूढ़ी दिवाली, नई दिवाली। तो बूढ़ी दिवाली वाले मेहमान जो जिस क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है उधर आते हैं जहाँ नई दिवाली है, नई दिवाली वाले मेहमान वहाँ जाते हैं जहाँ बूढ़ी दिवाली है। तो जो भी व्यंजन है वो हर प्रकार के बनाए जाते हैं दिवाली में, मेहमानों की बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा की जाती है, नाच गाना होता है हमारा। और आज की नई जो जनरेशन है उनसे हमारा भी अनुरोध रहेगा कि अपनी संस्कृति को बनाए रखे और इसमें ज़्यादा ज़्यादा सहयोग दें, नौजवान छोकरे जो है हमारे बच्चे इसको बड़े हर्षोल्लास से साथ मनाओ। ये हमारा प्रोग्राम चलता है 3-4 दिन दिवाली का, जैसे शहरों में एक दिन चलता है, हमारा पहाड़ों में मेहमान आते हैं बाहर से, तो 3-4 दिन का हमारा जो प्रोग्राम होता है इसमें हम सब गांव के मिलजुल के पूरा हर्षोल्लास से मनाते हैं। हमारे गिरिपार क्षेत्र के जो हाटी समुदाय है इसी से विख्यात है कि भाई ऊंच नीच का यहाँ कोई बात भाव नहीं है। हमारे हरिजन भाई है वो भी हमारे साथ आते हैं मिलजुल के, हम गाना गाते हैं सारे इकट्ठे होके, पूरा प्रोग्राम हम साथ में ही देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनील शर्मा है और गांव बाइला की ओर से सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली का जो त्यौहार है पहाड़ों में बहुत ही कल्चर के साथ ये मनाया जाता है। यहाँ पे पुराने जो रीति रिवाज हमारे, इसका शुभारंभ जो है अमावस्या के दिन से शुरुआत होती है, जिस दिन जो है हमारे हर घर में जो है ना हमारे पुराने व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि बेडोली और पूड़े आदि बनाए जाते हैं। इसके साथ में जो है हमारे यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी भी होती है, जिसमें कि हमारे जो गांव के लोग हैं वो हुड़ुक और दुमाने से जो है इस दिवाली का जो है वो आनंद उठाते हैं, नाच गाना करते हैं। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो कल्चरल एक्टिविटी है ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहनी चाहिए, ये विलुप्त होती जा रही है, दिन प्रतिदिन लोग इसमें कम जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ये कल्चरल एक्टिविटी ऐसे ही कंटिन्यू जो है वो होनी चाहिए। सभी नौजवानों से मेरा ये अनुरोध है कि इस कल्चरल एक्टिविटी को बनाए रखें और हम सब की ओर से